ये कैमरा है निकॉन ZFC। अब इस कैमरे की खासियत क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। पहले ही पहली चीज तो कि ये रेट्रो लुक में आता है। अभी भी अगर आपको वो रेट्रो लुक वाला कैमरा चाहिए या फील वाला कैमरा चाहिए तो वो ये कैमरा है। लेकिन अभी भी मतलब इतना टाइम मिलने के बाद भी निकॉन ने इस पर काम किया है, लेकिन अभी भी कुछ कमियां बच गई, इनके बारे में आगे आपसे बात कर रहा हूँ। साथ ही साथ क्या ये कैमरा सिर्फ फोटोग्राफी के अच्छा है, क्योंकि निकॉन हमेशा से सिर्फ फोटोग्राफी पे फोकस करता रहा है, या फिर मैं बोलूं कि एक इमेज बन चुका है कि अगर फोटोग्राफी करना है तो सिर्फ निकॉन अच्छा है, अगर वीडियो करना है तो वहां पे सोनी या फिर कैनन अच्छा है। लेकिन इस कैमरा में आप 4K 30 फ्रेम्स पे रिकॉर्ड कर सकते हो, तो क्या वीडियो के लिए ये सही है, क्या फोटोग्राफी में भी कितना सही है, इन सब का बात करने वाले इस वीडियो में। मैं हूं इमाम और आप देख रहे हो फाइबर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन की। तो देख के आपको इतना समझ आ गया होगा कि अभी भी इसको फुल एकदम रेट्रो लुक दिया गया है। बटन्स ऊपर बहुत सारे प्लेस कर दिए गए हैं, यहाँ पे ISO शटर इनफैक्ट की वीडियो रिकॉर्डिंग का अलग से एक बटन आपको दे दिया गया। लेकिन अभी भी वो जो बोलते हैं ना कि हम लोग 2022 में रह रहे हैं और ईज ऑफ एक्सेस हमें चाहिए, तो वो यहाँ पे मिसिंग है। अगर सपोज करो कि नरेंद्र कुछ ऐसी हरकतें कर रहा है जो मुझे उसको क्लिक करना है, तो भाई वो ना मैं थोड़ा सा कंफ्यूज जाऊंगा, क्योंकि वो हैंडी कहीं से भी नहीं पड़ता, क्योंकि उसके लिए मैं यहाँ से ये सेट करूंगा, यहाँ से मैं आपको ISO सेट करूंगा, यहाँ से अपर्चर सेट करूंगा, यहाँ से फोकल लेंथ सेट करूंगा, यार इतने में तो नरेंद्र का वो चीज़ खत्म हो जाएगा। सो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि अगर आपको वो आदत है वो बटन से ऑपरेट करने का कैमरा, तो ये बहुत सही है। ऐसा नहीं कि ऐसा कोई दिक्कत है इसमें, लेकिन मेरे लिए ये सही नहीं है। लेकिन वहीं अगर आपको रेट्रो कैमरा देख रहे हो, आप उस फील में आपको कैमरा चाहिए, डिजाइन चाहिए, तो वहां पे ये कैमरा बहुत सही फिट होता है। अब ये सब तो हो गई अच्छी बात है, लेकिन एक चीज जो मुझे बहुत ही ज्यादा ऑफ किया, या फिर मैं बोलूं कि जो चीज में कमी है, वो है ग्रिप की। सपोज करो आप लंबे समय के लिए इस कैमरा को यूज करना चाहते हो, और आपको जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, आपने देखा होगा कैमरा में कि इसको ना स्ट्रैप को ऐसे होल्ड करके कैमरा होल्ड करते हैं, स्ट्रैप को रोल करके पूरा, तो वहां पे क्या इशू आता है ना कि ये जो पोर्शन है ये प्लास्टिक की सा टेक्सचर है लेदर का, लेकिन वो लेदराइट नहीं है, या फिर ग्रिप अच्छा नहीं बनता है। इनफैक्ट अगर आपने DSLR कैमराज देखे होंगे तो उसमें एक होल्ड करने के लिए जगह दिया जाता है, जो कि इसमें मिसिंग है। प्लस इसका जो बॉडी है वो पूरी तरीके से फ्लैट है, ऐसा नहीं है कि हल्का नहीं है, DSLR से ये हल्का है। लेकिन वहां अब यहां पे गेम चेंज तब होता है जब आप लंबे समय के लिए कुछ शूट करना चाहते हो, रिकॉर्ड करना चाहते हो, तो मोस्ट ऑफ चांसेस ऐसा होगा अगर आप ये स्ट्रैप यूज नहीं कर रहे हो तो इसका स्लिप होने का चांसेस कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूं कि डिजाइन वाइज बहुत ताबड़तोड़ है, ठीक है, देखने में बहुत सेक्सी लग रहा है, बहुत ही रेट्रो फील दे रहा है। लेकिन अब ये जो ब्लैक टेक्सचर के साथ आप जो ये सिल्वर कलर की जो आप फिनिश देख रहे हो ना, ये प्लास्टिक की टाइप सा, ये थोड़ा सा स्क्रैच को ना बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं। अगर हल्का सा भी स्क्रैच लगेगा आपके कैमरा पे, जो कि लगना ही है, तो वो कुछ ज्यादा विजिबल होगा। तो ये एक चीज है जो कि थोड़ा और बेटर किया जा सकता है डिजाइन वाइज। अब एक चीज जो बटन्स, या फिर मैं बोलूं कि बहुत ज्यादा यहाँ पे जो आपको पैनल्स दिए गए हैं, इनका फायदा कहाँ होता है पता है? ये आपको यहाँ पे एक बटन दिख रहा है, इसको दबा के अगर आप यहाँ पे देखो, एक आपको ये स्क्रॉलर दिख रहा होगा, अगर आप इसको यूज करते हो तो वाइट बैलेंस को आप बहुत इजीली मेंटेन कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, जो कि आप किसी भी सिनेरियो में जाकर, सपोज करो कि इंडोर से आउटडोर जाते हो और आपको वहां पे वाइट बैलेंस चेंज करना है, तो अलग से सेटिंग में जाके आपको वाइट बैलेंस में जाकर उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, यहां से आप मैनुअली कर सकते हो। तो ये जो बटन्स होते हैं इनका यहां पे बहुत ज्यादा ईज ऑफ एक्सेस हो जाता है, लेकिन उसके लिए आपको यूज टू होना पड़ेगा। वरना जैसे आप मेरे जैसा आदमी, या फिर नरेंद्र जैसा, या मनमीत जैसे मैं बोलूं, जो लोग कैमरा पसंद करते हैं यूज करना, उनके लिए ये थोड़ा सा, अगर उन्हें रेट्रो नहीं पसंद है, उन्हें बहुत ज्यादा आदत नहीं है मैनुअल चीजें करने की, तो वहां पे उन्हें उस टाइप के जो यूजर्स है उनको यहाँ पे एक इशू होगा। लेकिन कुछ टाइम बाद अगर आप इसको ओन करते हो तो आप इसको बहुत ही, मैं बोलूँगी बहुत जल्दी अडेप्ट कर लोगे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे शटर है, यहाँ पे वाइट बैलेंस दिया हुआ है, यहाँ पे मुझे फोकल लेंथ सेट करना है, सब कुछ आप बेसिकली मैनुअली कर सकते हो, तो इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा बट हो जाएगा। अच्छा एक मजेदार एक्सपीरियंस बताता हूँ मैं इस कैमरा के साथ अपना। मैं कुछ टाइम पहले मुंबई गया हुआ था और मैं इस कैमरे को लेके गया था, एंड ट्रस्ट मी मैंने पता है क्या किया, मेरे साथ नरेंद्र या मनमीत नहीं थे तो मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं खुद से अपना शूट DSLR से कर सकूं। मैंने पता है क्या किया, इसको ऐसे खोला, लाइव व्यू ऑन किया और यहां से मैंने इसको रिकॉर्ड करना शुरू किया। एंड ट्रस्ट मी मैं बता रहा हूं आपको, ये बहुत ज्यादा, मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूं, मेरे हाथों में दर्द हुआ, वो भी जब मैंने 15 मिनट इस पर एंकल लिंक इस तरीके से रिकॉर्ड किया है, और बहुत ही इजीली हो जाता, मैं अपने आप को अच्छे से लाइवली, मतलब मैं बोलूं कि लाइव व्यू में देख पा रहा था, और कलर्स भी इसके बहुत सही थे। प्लस एक चीज बताऊं, अगर आप इसे सेल्फी लेना चाहते हो, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी अगर आप लेते हो, तो सपोज करो आपने व्यू फाइंडर में देखा और ऐसे कर दिया और आपने बटन यहां पे शटर क्लिक कर दिया,
तो आपको 3 सेकंड टाइम मिलता है कि जितना मुंह बनाना है वो जो भी आप बनाते हो सेल्फी लेते हैं वो आप बना सकते हो। तो ये इसका एक बहुत ही अच्छा फीचर है जो कि यूजली DSLR में देखने को नहीं मिलता है। DSLR में क्या होता है, वैसे ये आपने बटन दबाया क्लिक हो गया खत्म। तो यहाँ पे ये एक चीज अच्छे तरीके से आप बेसिकली मैं बोलूँ कि छोटी छोटी चीजों पे डिटेल पे काम किया गया जो कि मैं बोलूंगा बहुत सही चीज है। अच्छा, अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, इसका जो व्यू फाइंड है ना ये बहुत ही सही है। बहुत सही क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ना अगर आपने रेट्रो कैमराज देखे होंगे या नॉर्मल DSLR भी देखते हो आप, तो इसका जो व्यू फाइंड होता है वो ना स्क्रीन से सटा हुआ होता है, जिससे क्या होता है आप लंबे समय तक ऐसे करके इसको यूज कर रहे हो तो पसीना या फिर मैं बोलूं देखने में आपको व्यू फाइंडर से आपके सब्जेक्ट को देखने में आपको दिक्कत होता है, लेकिन यहाँ पे वो चीज नहीं है। यहाँ पे बहुत ही अच्छे से व्यू फाइंडर को प्लेस किया गया है, स्क्रीन से आप देख पा रहे हो कि स्क्रीन से इसको थोड़ा सा ऊपर रखा गया है ताकि आप बहुत ही आसानी से अपने सब्जेक्ट को देख सको या फिर आपको कोई भी डिटेल आप मिस ना कर सको वहाँ पे। तो ओवरऑल अगर मैं डिजाइन की बात करूँ तो बहुत अच्छा डिजाइन है, लेकिन कुछ कमियां अभी भी हैं जिनको कि सही किया जा सकता है, जैसे कि इसका जो होल्डिंग पोस्चर इसको और थोड़ा बेटर कर देते, ग्रिप कर देते, लेदराइट टेक्सचर दिया गया इसको, इनफैक्ट लेदर भी कर सकते थे। तो वहां पे क्या होता कि आपका जो होल्डिंग पोस्चर है या जो ग्रिप है वो और थोड़ा बेटर हो सकता था। बाकी प्रैक्टिकलिटी में बहुत सही है, अगर आपको रेट्रो कैमरास की आदत नहीं है उसमें आपको DSLR चाहिए तो आपको कुछ टाइम लगेगा, आप यूज टू हो जाओगे, लेकिन जैसे आप यूज टू होते हो वहां पे फिर ये कैमरा इज प्यार। अच्छा, डिजाइन के बारे में तो हमने बात कर लिया, चलिए अब बात करते हैं इसके फोटोग्राफ। अरे नरेंद्र आजा यार, आजा वहां पे नरेंद्र खड़े होकर मेरा मुंह देख रहा है कि यार ये तो इमाम मुझे करने दे। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि नरेंद्र सही इंसान होंगे जो आपको फोटोग्राफी और वीडियो के बारे में मुझसे ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। ऐसा नहीं है मुझे नहीं आता, मुझे भी आता है, लेकिन थोड़ा एक लेवल एडवांस मुझसे ऊपर चले जाते हैं नरेंद्र जी। तो आजा भाई, आजा तू, आजा तू ही, आजा बैठ जाए यहाँ पे। हेलो गाइज, मेरा नाम नरेंद्र शर्मा है और आपने मेरा नाम काफी बार सुना होगा। वो कैसे, कभी इमाम मेरा नाम लेता है, कभी आश्री मेरा नाम लेती है, कभी कोई तो मानस मेरा नाम लेता है। मेरे बारे में बाद में बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दिस कैमरा। सो मैं 1.5 महीने से इस कैमरे को यूज़ कर रहा हूँ और मुझे इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी लगी और इसे मैंने काफ़ी यूज़ किया। मैं इनफैक्ट अभी बीच में एक ट्रैवल कर रहा था, हरिद्वार और रुड़की में गया था, मैंने इसके से काफ़ी फोटोज़ खींची। खींचने के बाद मुझे ये पता चला इस कैमरे की क्वालिटी उफ, सच में उफ। बट ये है कि इस कैमरे में कुछ दिक्कतें भी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो इमाम ने आपको पहले बताई चुके, जो उसकी बॉडी और ग्रिप लेके बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें और अच्छी हो सकती थी, लेकिन मैं काफ़ी चीज़ें इसमें और भी अच्छी है। जैसे कि मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ 20mm का 1.8 लेंस, इस लेंस के थ्रू मैंने काफ़ी इमेजेस क्लिक करी और वीडियोज़ भी मैंने क्लिक करी, लेकिन इमेज और वीडियोज़ को खींचने के टाइम मुझे जो दिक्कतें आई कि अगर मैं इसे क्लिक करने के बाद अगर मुझे कोई सेटिंग छेड़नी थी तो मैं वो कर नहीं पा रहा था, वो मेरे को थोड़ी दिक्कत हो रही थी। लेकिन मैंने इसे काफ़ी इमेजेस क्लिक करी और इसमें काफ़ी मोड्स दिए गए हैं, मुझे इसका सबसे अच्छा मोड लगा चारकोल मोड। तो मैं आपको याद दिला दूं, निकॉन ने एक MF2 करके कैमरा निकाला था, उसको अपग्रेड करके इस कैमरे को इन्होंने लॉन्च किया है। उसमें कुछ कमियां थी शायद, इसलिए उनको इस चीज़ को अपग्रेड करने की जरूरत पड़ी। खैर उसे छोड़ते हैं, अब बात करते हैं इसके फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के बारे में। मैंने इससे बहुत सारी फोटोज़ खींची, बट इस कैमरे में एक खास बात है, इसमें बहुत सारे मोड्स दिए गए हैं जो आप डिफरेंट मोड्स में आप उससे इमेज और वीडियो क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने इसे काफ़ी फोटोज़ खींची और मैंने इस फोटोज़ में उन मोड्स को काफ़ी यूज़ किया। तो बेसिकली मेरा जो फेवरेट मोड था वो था चारकोल। तो ये चारकोल मोड क्या है मैं आपको समझाता हूँ। तो चारकोल मोड है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज़। तो आपको लगता है कि आप ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज़ बहुत पसंद करते हैं, बहुत क्लिक करना चाहते हो, आपको कैमरा नहीं देता है, तो ये कैमरा आपको वो मोड जरूर देता है। तो उस मोड से आप बहुत सारी पोर्ट्रेट मोड फोटोज़ खींच सकते हैं, लैंडस्केप फोटोज़ खींच सकते हैं और इसमें डिफरेंट मोड्स और दिए गए हैं जिसे आप यूज़ करके काफ़ी अच्छी अच्छी फोटोज़ खींच सकते हैं और इसके इमेज सैंपल्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अब आते हैं वीडियोग्राफी पे। तो ये कैमरा 4K 24fps 25fps और 30fps शूट करता है। मानता हूँ आज की डेट में 60fps आ चुका है, तो ये 60fps नहीं शूट करता है, बट इसका जो इमेज स्टेबलाइजेशन है वो काफ़ी अच्छा है। आपका हल्का सा हैंडशेक होगा तो आपको इतना पता नहीं लगेगा, लेकिन इसके वीडियोस बहुत ही क्रिस्प, बहुत ही कलरफुल आते हैं। आप एक वीडियो सैंपल देख सकते हैं।
तो मैं और इमाम कैमरे को चेक करने के लिए कहीं बाहर निकले, तो मैं इमाम को, आपको देखा ही होगा इमाम बहुत जल्दी यूं, कभी इधर कभी उधर कभी वहां कभी यहां, तो मुझे कैच करने में थोड़ा दिक्कत होता है दूसरे कैमरे में। लेकिन जैसे ही मैं इस कैमरे से उसे शूट करना स्टार्ट किया, इसका इमेज स्टेबलाइजेशन ने इतना अच्छा परफॉर्म किया है कि मुझे इमाम को कैच करने में दिक्कत हो रही थी, मगर इस कैमरे को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही मैं इस कैमरे को किसी लो लाइट में या फिर कहीं हाई लाइट में जा रहा था, तो वहां इसको थोड़ा दिक्कत हो रहा था लाइटिंग और इमेज को क्लियर करने में। तो ये थोड़ी दिक्कतें हैं, मैं निकॉन से उम्मीद करूंगा कि वो चीज़ ठीक करेंगे। लेकिन ओवरऑल ये कैमरा बहुत अच्छा है, इसका 4K क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसकी इमेज आप देख ही चुके हैं कितनी अच्छी आती है। तो मैं रिकमेंड करूंगा उन फोटोग्राफर को जिनको बहुत ही रेट्रो वाले फीलिंग चाहिए होती है और रेट्रो वाले कैमरे की जरूरत है, तो मैं रिकमेंड करूंगा ये कैमरा वो खरीद सकते हैं। इसे खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए, उसके लिए मैं इमाम को बुलाता हूँ, वो इमाम आपको बताएगा कि इसका और क्या क्या चीज़ें हैं जो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इमाम आ जा। जैसा कि आपको नरेंद्र ने अपना एक एक्सपीरियंस बताया होगा कि उनको क्या क्या दिक्कतें हुई शूट करते समय, और नरेंद्र का जो ये हमेशा का रहता है ना कि इमाम फास्ट पेस है, ये करना है वो करना है सब करना है, मैं हूँ, मुझे सब कुछ करना है। खैर मुद्दे पे आते हैं, और अब सवाल ये आता है कि क्या आपको ये कैमरा खरीदना चाहिए या नहीं। तो फिर इसका सीधे शब्दों में मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ, अगर आप वो इंसान हो जो बहुत ही लंबे समय तक कैमरा यूज करते हो, ठीक है, उससे मेरा मतलब यह है कि अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में हो और आप वीडियोस के लिए कोई कैमरा देखना चाह रहे हो, तो मैं बोलूंगा ये वो सही फिट नहीं रहेगा, क्योंकि अभी भी वो ग्रिप इसमें मिसिंग है, जो कि अगर आप लंबे समय तक कोई वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हो तो यार डर रहेगा कि आपके हाथ से स्लिप ना हो जाए। लेकिन वही अगर आपको एक ऐसा कैमरा ढूंढ रहे हो जो फोटोग्राफी में बहुत सही हो, प्लस लाइट वेट हो, आपको निकॉन का कलर जो है वो बहुत ज्यादा पसंद आता हो, जो इस तरीके से वो फाइन ट्यून करता है चीजों को, कलर को पॉप नहीं करता है, नेचुरल रखता है, तो वहां पे ये कैमरा बहुत सही होने वाला है। अभी भी वीडियो के मामले में निकॉन को और थोड़ा काम करने की जरूरत है, क्योंकि यार देखो मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये कैमरा बुरा है या फिर वीडियो में अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, मगर स्टिल अभी भी थोड़ा एक जो होता है ना कि जैसे अभी हम लोग जैसे R6 पे शूट करते हैं वो 4K 60 फ्रेम्स पे रिकॉर्ड कर लेता है, तो वहां पे क्या होता है ये अभी भी लिमिटेड है 30 फ्रेम्स पे। तो अगर सपोज करो मुझे कोई स्लो मोशन या मुझे और कुछ तरह का कोई वीडियो एक्सपेरिमेंट करना है, तो वहां पे थोड़ा लिमिटेशन है, पर स्टिल कैमरा डिसेंट है, बहुत अच्छा है, फोटोग्राफी के लिए बहुत सही है, अभी भी वीडियो में इसको काम करने की जरूरत है। बाकी ये कैमरा आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताओ, और चैनल को लाइक फॉलो शेयर करना मत भूलना यार। टिल देन अब मैं चलता हूं थोड़ा अपना फोटोग्राफी स्किल इंप्रूव करना।